हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सच्चा। आपको पता होना चाहिए इन इंडियन लॉ बहुत सारी कुछ चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, चल रही हैं, लेकिन कोरोना अपना पूरा का पूरा शिकंजा कस के बैठा हुआ है। किसी भी सूरत हाल वो जा नहीं रहा। वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, इसलिए आप लोग सब अपने घर पे सेफ रहिए, प्रिकॉशंस के साथ रहिए। और आपको पता ही है कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे रहना है, मास्क पहन के रखना है। सो आप लोग ये सब चीज़ें जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आज का टॉपिक कुछ भी नहीं है, नथिंग स्पेशल, सिर्फ इतना सा कि दुखी मत होइएगा किसी की वजह से, परेशान मत रहिएगा किसी की वजह से। ज़िंदगी में पॉजिटिव होना खुद से ही जब तक आप नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकते। आप अगर ये सोचेंगे कि किसी की वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ तभी आएंगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि खुशियाँ एक ऐसी चीज़ है जिसको जब तक आप पैदा नहीं करोगे तो उसके पैदा होने के बाद वो उम्मीद बन के आता है। खुशी अपने आप जब आपको पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर से, जब वो पैदा होगी तो वो पैदा होगी एक उम्मीद के रूप में। जब वो उम्मीद आएगी तो वो उम्मीद आपकी लाइफ में कुछ मोटिव लेके आएगी, और वो जो मोटिव आपका सक्सेसफुल होगा तो उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, कुछ ऐसा जो कि आपको दूसरों से बिल्कुल 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 डिफरेंट फील कराएगा। और आप अपने एक्सपीरियंस के साथ होंगे, क्योंकि गिर के जो खड़ा होता है उसको ये पता होता है कि कितनी चोट लग सकती है, कितनी नहीं, कहाँ संभलना है और कहाँ नहीं, कैसे चलना है और कैसे नहीं। तो जिस भी लोगों को ऐसा थोड़ा सा भी फीलिंग है कि किसी की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, लाइफ में बहुत बेरुखी है, सामने वाले ने उनको हर्ट किया, चीट करा, डिच किया, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी किसी भी ऐसी चीज़ों के साथ गेम खेला, तो एक्चुअली उसके कसूरवार वो कम और हम ज़्यादा हैं। क्योंकि जो दर्द देता है उससे ज़्यादा जो दर्द सहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना दर्द देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाया है। उम्मीद करूंगी कि आप लोग मेरे इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि जब कोई किसी का दिल तोड़ता है या जब कोई किसी को एक्चुअल में ऐसी हालत में मतलब जब वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होता, अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे लेवल पे होता है, कुछ आगे करना चाह रहा होता है, और ऐसे टाइम पे अचानक से कोई आके बोल दे कि मुझे रिलेशनशिप ओवर करना है, मुझे मूव ऑन करना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, या मैं साथ नहीं रह सकती हूँ, या फिर मेरे को तुम्हारे साथ खुशियाँ नहीं मिल रही है, यू आर नॉट अ परफेक्ट मैन, और आप फाइनेंशली वीक हो, आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, या फिर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसी भी फीमेल्स होती हैं। तो उन लोगों के लिए मुझे बहुत दुख है, तकलीफ़ है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसी औरतें किसी की लाइफ में ना ही आएँ तो बहुत अच्छा है। दूसरा, ऐसे आदमी जो अपनी वाइफ को अपना बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी के होते हैं, बहुत चीप उनकी थिंकिंग होती है, जो ये सोच के चलते हैं कि ज़िंदगी में अगर उनकी वाइफ कहीं आगे सक्सेस ले रही है तो वो उनको उनसे चिढ़ना शुरू कर देते हैं, जेलस फील होने लग जाती है, आपस में फ़ाइट होने लग जाती है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, और हमेशा अपनी बीवी के अंदर कमियां ढूंढना शुरू करते हैं। ये भी एक वजह बनती है जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए अपने दिमाग को थोड़ा बड़ा करके मॉडर्न सोच के साथ, मॉडर्न विचार के साथ आगे बढ़िए। सोचिए कि आप ज़िंदगी में अपने लिए अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, और किसी का कुछ लेना देना करके कुछ नहीं होगा। जो लिया है आपके पास रह गया है तो रह गया है, जो दिया है वो दे दिया है तो दे दिया है। तो इस टाइप की मेंटेलिटी को लेके रखिएगा तो ज़िंदगी आपको अच्छी लगेगी, कोई आपकी आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, और उससे बड़ी बात, अगर जिसने आपकी ज़िंदगी में आना है, रहना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा रहेगा, और जिसने नहीं रहना है तो वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना के, तिल का ताड़ बना के, राई का पहाड़ बना के कुछ भी ऐसा कर देगा जिससे आपकी लाइफ में वो ना रहे। तो ऐसे लोगों को दूर से ही अलविदा कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी भनक लगे या कुछ भी ऐसा एहसास हो कि ये इंसान इस तरीके का कुछ करने की कोशिश कर रहा है, या आपको उससे डर कर छुप कर या फिर किसी भी तरीके से अंडर कंट्रोल होकर चलने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यही आपको बोलूँगी कि ऐसे इंसान को छोड़ दीजिए। ये आपको पहला हिंट मिलता है अपनी तरफ से, और आगे जाके अगर आप वो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। इसी को बेस्ड ऑन लेके मेरी नई वीडियो आ रही है, थोड़ा सा उसका मैंने एक मेरा मन किया कि मैं थोड़ा कुछ हिंट दे दूँ आप लोगों को, तो इसलिए मैंने ये बोला है। उम्मीद करूँगी कि आपको टॉपिक पसंद आएगा, और बहुत ही जल्दी मैं इस टॉपिक के साथ आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।